IELTS रीडिंग बहुत बोरिंग लगती है, बहुत सारी रीडिंग्स करते हैं फिर भी स्कोर वहीं पर स्टक है ना, ये आपकी प्रॉब्लम। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है इस वीडियो में। सो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्टेप, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जब अपने सामने रीडिंग देखते हैं उन्हें नींद आने लगती है एंड दे फील रियली बोर्ड। तो पहले तो रीडिंग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के पर्पज से करना बंद कर दीजिए, रीडिंग को इन्जॉय करना शुरू करिए। एक पैरा उठाइए, उसको आराम से पढ़िए, उसको समझिए, ये इनिशियल स्टेजेस की बात हो रही है। उस पैरा को पढ़ो, विजुअलाइज करो और अपने आप को बताओ कि ये पैरा मेनली किस बारे में है। जब आप रीडिंग को इन्जॉय करें, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव अ कप ऑफ टी, इन्जॉय योर रीडिंग रादर देन हैविंग अ टेंशन ऑन योर हेड। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। टाइम मैनेजमेंट, 20 मिनट्स हो गए तो बस सेकेंड पैसेज पर जाना ही जाना है। आई एम टेलिंग यू, आई हैव कंडक्टेड अ सर्वे ऑन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स एज वी हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years, एंड मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आई वो ये है कि स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। अब टाइम मैनेजमेंट को सीरियसली लेना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा एक पैसेज पे स्पेंड कर दिए, फिर वहाँ आप 25 यहाँ, आगे आप और कम टाइम है, उसके बाद आगे और कम टाइम है, तो क्या होगा कि आप अपने रीडिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे यही बोला है कि वो जब घर पे वर्क करते हैं तब तो वो अच्छा स्कोर ले लेते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो दे गेट नर्वस। सो गाइज, वॉट इज़ द इश्यू? द इश्यू इज़ दे डोंट मैनेज द टाइम। जैसे ही 20 मिनट्स हुए, आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, नेक्स्ट पैसेज पर जाना ही जाना है। देर इज़ नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए जो क्वेश्चन छूट गए हैं, हम उन पर लास्ट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू में टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम कर दिया तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। 20 मिनट्स हो गए हैं और जब एग्जाम में 15 डेज बचे हैं, तब इस टारगेट को 17 मिनट्स कर दो। 17 मिनट्स में फर्स्ट पैसेज, 17 मिनट्स में सेकंड पैसेज एंड 17 मिनट्स में ये थर्ड पैसेज। तीसरी चीज़ है, जब भी आप रीडिंग करें तो डेली जो भी आपको न्यू वर्ड्स हैं उनको जॉट डाउन करें, उनको लिख लें, उन वर्ड्स के मीनिंग आपको आना चाहिए। लेट मी टेल यू, रीडिंग में बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, सो वाई टू वरी अबाउट दैट? जब आपको पता है कि आप वर्ड्स रिपीट होते हैं तो क्यों ना रोज़ जो आप रीडिंग करते हैं उसमें से जितने भी वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं आप उनको नोट डाउन कर दें। इट इज़ श्योरली गोइंग टू हेल्प, क्योंकि अगर वोकैब आ गई तो हाफ ऑफ द बैटल तो आपने जीत ही लिया। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप वोकैबलरी स्टडी करें। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन शॉर्ट्स ऐप होता है जिसमें न्यूज़ की 60 वर्ड्स में समरी होती है, जो भी न्यूज़ है आज की या कल की। तो क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वोकैब बढ़ेगी, राइटिंग के आइडियाज़ में आएंगे और रीडिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिफ्थ चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स भी ज़रूर पढ़े। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े। आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, वाइल्ड लाइफ अच्छी लगती है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स बट इंग्लिश में पढ़े, इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखिए, रीडिंग सिर्फ रीडिंग पैसेजेस करके इम्प्रूव नहीं होगी। रीडिंग मतलब क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मत करें, उसको इन्जॉय करें। दिस इज़ द ओनली मंत्रा, जो भी मैंने स्टूडेंट से बात की है सर्वे की तरह, तो दे हैव ओनली टोल्ड मी कि बहुत बार दे आर नॉट एबल टू डेवलप इंटरेस्ट। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने ये बताई कि क्वेश्चंस उन्हें समझ में आ भी जाते हैं, आंसर की लोकेशन भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ से दे पिक अप द रॉन्ग आंसर। अब यही प्रॉब्लम वही है कि आपको रीडिंग समझ में नहीं आती है, और जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, सिर्फ वो ट्रिक्स की स्किम करो, स्कैन करो, ये लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगी। आपको पैसेज तो समझना ही पड़ेगा। सो बी केयरफुल कि आप पैसेज को इन्जॉय, तो कभी कभी रीडिंग सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए कीजिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि एक दिन में एक फुल रीडिंग कीजिए, और इवनिंग में यू कैन डू वन क्वेश्चन टाइप, जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टाइप, तो सिर्फ ट्रू फॉल्स करिए, उसके 20 क्वेश्चंस इकट्ठे करिए। दूसरे दिन आप मल्टीपल चॉइस करिए, तीसरे दिन आप हेडिंग क्वेश्चंस कीजिए। अगर आप इनके PDF चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस दैट, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई अश्योर यू दैट इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स, दीज आर रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर रीडिंग एंड यू गोइंग टू बूस्ट योर रीडिंग स्कोर। सो प्लीज़ 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 इस ट्राई करके देखो प्रॉब्लम क्या है। You're not going to lose anything. Okay? So all the best.